फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। मेरे साथ हैं मोहित, एक मास्टर जो है हमारे। ये नोज के मेरे पेशेंट थे, इनको नेजल ब्लॉकेज रहता था, इनकी पीडियाट्रिक राइनोप्लास्टी हुई है। बट सबसे पहले तो देखो, ये इन्हीं से पूछते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम थी और अभी कैसा फील कर रहे हैं। मोहित बेटा, आप बताओगे आप? पहले मेरा नोज ब्लॉक रहता था और काफी दर्द भी होता था और लगभग फिर मैंने सर्जरी करवाई और सर्जरी को अभी 6 महीने हो गए। अभी मुझे उनसे राहत मिली आपको क्या है, सर्जरी कराया तो आपको डर नहीं लगा? है। नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। आपको बिल्कुल डर नहीं लगा? अच्छा, अब आप अपने नाक से खुश हो बेटा? यस, और सांस आ रहा है? हाँ बिल्कुल। यस। दोस्तों देखो, ये कितने कॉन्फिडेंशियली बच्चा जो है, इज वेरी फ्यू चाइल्ड्स दैट हैव द सच टाइप ऑफ द कॉन्फिडेंस। इसको बेसिकली क्या है, नेजल ब्लॉकेज रहता था। एंड अगर हम देखते हैं तो इनको क्या प्रॉब्लम थी कि ये जो नोज है, इस नोज में क्या है कि इस टाइप का डेविएशन था, इनको नोज का डेविएशन था। उससे क्या है, इनका नोज ब्लॉक रहता था। जैसे ये एक तरफ यहाँ का पूरा ब्लॉक था, तो एक्सटर्नली भी नोज पे क्या है, ये बैंड था, सी सेप नोज पे क्या है, बैंड था। तो इसके कारण क्या है, नेजल ब्लॉकेज रहता था। तो बेसिकली इसको सेप्टो राइनोप्लास्टी सर्जरी से नोज को स्टेट किया है। इसलिए क्या है कि जैसे इनके पेरेंट्स जो है, इन्होंने डिसीजन लिया। बहुत बार क्या है, जो लोग क्या है, उनका ये मेंटेलिटी रहती है कि 17-18 साल पहले ऑपरेशन नहीं होता। ऐसा नहीं है। अगर डीएनए या जो नोज की विकृति है उसके कारण जो नेजल ब्लॉकेज रहता है, तो उसको क्या है कि पीडियाट्रिक राइनोप्लास्टी 5 से 7 साल 8 साल बाद भी करा सकते हैं, जैसे इस बच्चे ने कराया। तो इसलिए क्या है कि 17-18 साल तक तो नहीं, तो कई सारे साइड इफेक्ट हमारे डेवलप हो जाते हैं। सो इसको पीडियाट्रिक राइनोप्लास्टी बोलते हैं और उसको डेफिनेटली ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।